ये देखिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये खूबसूरत सी डिज़ाइन। और ये देखिए, इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप मोती लगा के बना सकते हैं, और ये मैंने बिना मोती लगा के बताया है। और ये बहुत आसान है, आपको बच्चों के स्वेटर में डालना हो, लेडीज़ कार्डिगन में डालना हो, ये डिज़ाइन बहुत आसान है। और ये जल्दी बन भी जाती है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादातर सीधा उल्टा ही बुनना होता है, और सीधा उल्टे की बुनाई बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो देखिए, जो यहाँ पे है, मैंने 6 का मल्टीपल प्लस 3 फंदे हमें इसके लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ, 3 उल्टा 3 सीधा, 3 उल्टा 3 सीधा, 3 उल्टा 3 सीधा के हिसाब से बुनी है, और पीछे से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये देखिए, ये हमने 8 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब हम 9th रो में ये पैटर्न डालेंगे। तो देखिए, ये जो उल्टे फंदे हैं, इन्हें तो आपको उल्टा बुन लेना है। 1 2 और ये 3, ये हमने उल्टा बुन लिया, उन पीछे करेंगे। अभी जो हमने 3 सीधे बुने थे, इसमें से पहला फंदा तो हम बुन लेंगे। दूसरे फंदे को खोलेंगे, हमें 6 धागा खोलना है। 1 2 3 4 5, 5 और ये 6, ये हमने टोटल 6 धागे खोल लिए। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो फंदा है, ये जो फंदा नीचे है, इसमें हम सिलाई को डालेंगे और एक फंदा निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा हम लंबा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे बुन लेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए, ये किया। फिर इसके बाद जो अगला सीधा है, इसे हम बुन लेंगे। फिर 3 उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, 3 उल्टा बुन लिया, उन पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, अगले फंदे को गिराएंगे, 6 धागा खोलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब ये जो फंदा है, 6 फंदे खोलने के बाद ये जो फंदा है, इसमें हम ये सारे फंदों को ऐसे उठाएंगे, इसी फंदे में से हम एक फंदा बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अगला फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने बिना मोती लगाए ये डिज़ाइन बनाई है। अब हम 2 डिज़ाइन मोती लगा बताएंगे। 3 उल्टा, उन पीछे एक फंदा सीधा, अगला फंदा खोलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फंदे हमने खोल लिए, और ये इस फंदे में ऐसे सिलाई डाल के धागा निकालेंगे। क्रोशिया हुक में ऐसे मोती फंसाएंगे, और ये जो धागा हमने खींच के निकाला है, इसमें हम मोती को ऐसे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, सीधा बुन लिया हमने। फिर अगले फंदे को बुन लेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे, उन पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे में 6 फंदे खोलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 के बाद इसी फंदे में हम एक फंदा निकालेंगे, इसमें मोती इंसर्ट करेंगे इस तरह से। इस फंदे को बाहर निकालेंगे क्रोशिया हुक की मदद से, ये हम ऐसे मोती इंसर्ट कर देंगे, और इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 9th रो है। ये जो पैटर्न है हमारा 10 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। ये हमने 9th रो बुन ली है, और 10th रो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये देखिए, 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। फिर उल्टा, 3 उल्टा, देखिए, फिर 3 सीधा, 1 2 3 सीधा और फिर 3 उल्टा। इसी तरह रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, ये मोती वाला और ये बिना मोती वाला। और फिर से हम 8 सिलाइयाँ, अब 10 सिलाइयों के बाद 8 सिलाइयाँ हम काउंट करेंगे। 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद 9वीं सिलाई में फिर ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे, और 10वीं सिलाई को फिनिशिंग 10वीं सिलाई में फिनिश कर देंगे इसे।
और फिर उसके बाद फिर से आपको 8 रोज बुननी है, 10-10 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को बनाइए। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।